एक सवाल पूछता हूँ आपसे, डेडपूल, द फ्लैश और मून नाइट में क्या कॉमन है? वेल, इन तीनों ही कैरेक्टर्स को माइंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर कॉमिक बुक के अंदर डेडपूल का भी हिसाब किताब कुछ कुछ मून नाइट की तरह ही है, जहाँ पर उसके दिमाग के अंदर दो और पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें वो वॉइसेस कहता है। एंड ऑफ कोर्स मून नाइट बेसिकली तीन और उससे ज्यादा अलग अलग पर्सनालिटीज का एक कॉम्बिनेशन है, जिनके कारण इन दोनों ही कैरेक्टर्स का दिमाग बेसिकली अलग अलग लोगों के दिमाग के कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है, जिसकी वजह से इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वहीं पर फ्लैश को कंट्रोल कर पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि फ्लैश बेसिकली लाइट से भी तेज रफ्तार में चलता है, और इस रफ्तार में उसका दिमाग भी उसी की तरह तेज चलता है, और यहाँ पर बेसिकली उसे माइंड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर उससे भी तेज होना पड़ेगा।